हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आल एजुकेशन में एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का जो अपडेट है, NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से अप्रेंटिसशिप निकाला गया था, उसका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। साथ ही साथ आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, वेन्यू, टाइम और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है सब कुछ बता दिया गया है। तो आपको जो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें जो है प्रीवियस मतलब पिछले साल का भी जो है उसके पिछले साल का भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। जैसे जो है यहाँ पे 2019 का भी जारी किया गया है, 2020 का भी जारी किया गया है, 2022 का भी है और यहाँ पे 2023 का भी लिस्ट जारी किया गया है। 19 से लेकर के 23 तक जो है यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। तो काफी कैंडिडेट इसमें जो है यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, 2500-3000 के आसपास कैंडिडेट जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो जितने भी सिलेक्ट हुए होंगे अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। तो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाले इसके इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो देख सकते हैं इसका NFR का ऑफिशियल साइट है। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया मेरिट लिस्ट इसका। देखिए यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन कटिहार डिवीजन फॉर रिमाइंडिंग स्लॉट फॉर ईयर 2019 और 20। इसी में जो है 19-20 और यहाँ पे देख सकते हैं 20-21, 21-22 और 22-23, इन सभी का जो यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस लीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह आए अप्रेंटिसशिप रिलेटेड, जॉब रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है NFR कटिहार डिवीजन, ये जो है कटिहार डिवीजन का अभी जारी किया गया है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर 20 से लेकर के 23 तक यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट जो है यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं, सीट से जो है 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जो कैंडिडेट इसमें डॉक्यूमेंट्स क्लियर होगा उन्हीं को जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, वेन्यू दिया गया है और यहाँ पे कब से कब आपको वेरिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 26 दिसंबर को वेरिफिकेशन है, दो टाइम में रिपोर्टिंग टाइम, एक जो है 9:30 बजे और एक 2:30 बजे है, जिसमें जो है सीरियल नंबर देख सकते हैं 1 से लेकर के 250, 250 जो सीरियल नंबर होंगे उनको जाना है सुबह के पाली में 9 से 9:30 से। बाकी उसी दिन जो है आपको 251 से लेकर के 500 के सीरियल नंबर जो है कैंडिडेट जाएंगे सेकेंड पाली में। ये जो है देख सकते हैं 2019-20 का भी है और यहाँ पे जो है नया वाला 20-21, 21-22 एंड 22-23 का भी जारी किया गया है। इसी तरीके से देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 2276 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इसमें जो सबका अलग अलग टाइम है और सीरियल नंबर के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पे अब्सेंट रह जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अब्सेंट रह जाएंगे, उनको जो यहाँ पे 31 तारीख को ही 2:30 बजे आप जाएंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा। अगर इन सभी डेट में कभी भी आप अब्सेंट रह जाते हैं तो आपको भी एक चांस दिया जा रहा है, आप 2:30 बजे जाएंगे 30 तारीख को आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन 26, 27, 28, 29, 30 तारीख तक चलेगा। बाकी यहाँ पे वेन्यू देख सकते हैं सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट कटिहार, नियरेस्ट DRM ऑफिस ये कटिहार डिवीजन बिहार का, यहाँ पे यही वेन्यू है, आपको यहीं पे जाकर के अपना वेरिफिकेशन कराना है। नीचे रहने के बाद डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं क्या क्या लेकर जाना है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, ITI का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। OBC का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लेकर के जाना होगा, साथ ही साथ जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। तो ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, अभी दिखा देंगे, उसको जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा करके ले करके जाना होगा। बाकी जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोटो कापी लेकर जाना है 2 सेट, सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है दो सेट फोटो कापी करा लेंगे सभी का। बाकी उस पर जो है सेल्फ अटेस्टेड आपका जो है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स का जो दो दो कापी फोटो सेट करा लेंगे, उसके बाद आपको लेकर के जाना है। नीचे आने के बाद से यहाँ पे देखिए बताया गया स्लॉट के बारे में, जैसे जहाँ डिपार्टमेंट देखिए डिपार्टमेंट है मैकेनिकल में, मशीनिस्ट में जो यहाँ पे निकाला गया था वैकेंसी 20-31 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया। बाकी यहाँ पे बिल्डर में 24 है और 37 को सिलेक्ट किया गया है, फिटर में यहाँ पे 83 है और यहाँ पे 126 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। इसमें जो देख सकते हैं डीजल मैकेनिक में 217 पोस्ट था, 326 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। इस तरीके से ये जो है 19 और 20 का है। बाकी यहाँ पे 20, 21, 21-22, 22-23 में भी देख सकते हैं वैकेंसी सबका दिया गया है। टोटल कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया गया, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे 699 है प्लस 30 PL फिजिकली दिव्यांग वाले हैं। इस तरीके से कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। बाकी यहाँ पे आप जैसे आएंगे नीचे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका DB का यहाँ पे सीरियल नंबर है और यहाँ पे TS नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, किसमें ट्रेड सुटेबल किसमें है उसमें है आपका, और यहाँ पे इसका कौन सा मिला है ये भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और कैटेगरी है।
इस तरीके से आपका जो सीरियल नंबर होगा यहाँ पे देख के उसी हिसाब से आपको चार्ट में देख करके वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। लिस्ट जो है काफ़ी लंबा है, इसको आपको देख करके अपना नाम चेक कर लेना है, उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। चलिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको जो इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था ये वाला, इसी लिंक पर आपको क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बिल्कुल लास्ट में आप आएंगे तो देख सकते हैं इसका एनेक्जर 3 पे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है। इसको जो आपको प्रिंट निकलवाना होगा, इसका प्रिंट निकलवा करके आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना होगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये जो डिसेबिलिटी के है। और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये OBC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इसमें जो आपको बनवा करके जाना होगा। इसका जो एक डिक्लेरेशन होता है, और ये जो आपका का सर्टिफिकेट है ST SC का। बाकी ये जो है आपको OBC का है, और हम नीचे आएंगे तो इसका डिसेबिलिटी उनके लिए होता है। तो यहाँ पर सभी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएगा। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मेरिट लिस्ट है, सभी जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।